सम टाइम ना आपके बाल धुलने के बाद भी अच्छे नहीं लग रहे होते। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फाट में जाएंगे, अगर आप ठीक नहीं तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्लॉग हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मामा सैरी कर रही हैं दाल चावल से, कल रात को हमने बनाए थे। कैसे हैं दाल चावल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ्रेंड, मैंने गलत फ़ोन में ब्लॉग दाल चावल मैंने गलत फ़ोन में ब्लॉग शुरू कर दिया। दाल चावल, ओह माय गॉड। मैं कहती हूँ चिकन तो चिकन है, लेकिन दाल चावल जो है ना, चिकन तो चिकन है, थोड़ी तेज है हो रही, मतलब चिकन की ज़्यादा वैल्यू है ना वो, नहीं गोश्त की। अच्छा, बड़ों के मामले में गोश्त की, बड़ों के मामले में फ्रेंड्स। वैसे दाल ज्यादा ही सामने हुई है। लाऊं दाल? हाँ थोड़ी सी डाल। फ्रेंड, दाल डाल के लाती हूँ, इससे पहले कि रोज़ा बंद हो जाए। मैं दाल डाल रही हूँ, as you guys can see। थोड़ी ज़्यादा दाल के साथ मज़ा आया। ये फ्रेंड्स वो है मूंगी की दाल, और वो जो है मसर नहीं होते ऑरेंज, वो आप लाजमी हर दाल में डालिए करें। इवन इसलिए कि वो आपकी दाल ठीक हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि वो सारी ख़त्म हो जाती है बीच में, अपना आप वो अपना ख़त्म कर देती है, घुल मिल जाती है, जस्ट लाइक गुड नेचर्ड। तो मैं अभी बीच में लगता है स्टार्ट होने वाली है, हो गई है, मैं ये फटाफट खा लूँ। और फ्रेंड, यहाँ पे मामा की कॉफ़ी थी और ये है मेरी कॉफ़ी। और कुछ कहना आपने? फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया, वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले रमज़ान है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, बिकॉज दिस इज़ एन इंटरटेनिंग फैमिली चैनल। यहाँ पे आप डेली व्लॉगिंग देख सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह देख सकते हैं। वो अलग बात है कि समटाइम्स हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते और फिर घर आते ही व्लॉग करते हैं, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चा होता है हमारे साथ, उसको भी संभालना पड़ता है। बाकी आगे मेरा ख्याल है कि आमना ही व्लॉग को कंटिन्यू रखेगी, और आगे व्लॉग को एंड भी मेरा ख्याल है कोई करेगी। तो मेरी तरफ से बाय बाय। फ्रेंड्स, ये उन चीज़ आने शुरू हो गई हैं, और साथ में फ्रेंड मैं ये बाद में बता दूँगी, टेबल मामा ने वहाँ से उठा दिया। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, मामा ने आपको याद है सैरी की थी। उसके बाद फ्रेंड मैंने उठ के बर्तन धोए, मैंने दो तीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम किए। फ्रेंड, उसके बाद मैंने नहा लिया गीले बाल। फ्रेंड, फिर मामा ने मुझे कहा कि तुम ना थोड़ी देर ऊपर छत में हो, छत पे हो आओ धूप में, ताकि बीमार ना हो जाना। फ्रेंड, मैं ऊपर आई हूँ, हवाएं चल रही हैं और धूप आ जा रही है, धूप यहाँ पे आ जाती है। मैं यहाँ पे शायद आपको नज़र आए कि यहाँ फ्रेंड ये थोड़ी सी धूप है, और यहाँ पे कुछ एक आदमी खड़े हैं, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा, फ्रेंड्स आई डोंट लाइक, आई एम नॉट लाइकिंग फ्रेंड छत, आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे नीचे ही जाना चाहिए ना, इधर कुछ बैठने की जगह है। और फ्रेंड मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। और फ्रेंड, आज पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहाते ही हिचकी लग गई थी, और मुझे कितनी देर हिचकी लगी रही है, रुकी नहीं रही थी, पता नहीं क्या सीन था। और फ्रेंड्स, बादल इतने प्यारे लग रहे हैं ना, मैं आपको भी बैक कैमरा से दिखाती हूँ, होपफुली अगर मैं भूल ना गई तो। और साथ में और फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा सा बना लें मामा के लिए इफ्तारी में, पर फ्रेंड मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ, जो किसी की कोई चीज़ नहीं है, ग्रॉसरीज ख़त्म हुई हैं थोड़ी बहुत, कोई सी चीज़ सोच रही हूँ तो कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ सोच रही हूँ तो कोई चीज़ नहीं है, तो आई थिंक चीज़ ऑमलेट लास्ट हमारा वही होता है। मामा और मैं खाएंगे चीज़ ऑमलेट, और फिलहाल मामा की फ्रेंड्स भी है थोड़ी ठीक नहीं है, तो मामा सो रही हैं, और क्या कहना, जेजी भी फ्रेंड्स हो रहा है, और मैं सो, फ्रेंड मुझे थोड़ी नींद आ रही है अभी भी, मैं सोची हूँ पर नहीं, फ्रेंड्स अगर मैं सो गई ना तो फिर मैं उठ नहीं पाऊँगी रोज़े के लिए, अफ्तारी के लिए यानी, तो फिर मामा खुद बनाएंगी इफ्तारी अपने लिए, तो वो आई मुझे अच्छा लगेगा कि मामा का रोज़ है, वो अपने लिए इफ्तारी बनाए। तो फ्रेंड मैं उठ ही जाती, मैं नहीं सोऊंगी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ करूँ। फ्रेंड्स, क्या करूँ मैं कुछ करने के लिए? फ्रेंड मैं यूट्यूब देखती हूँ, लास्ट मेरा एज़ यूजुअल ऑप्शन, नहीं फ्रेंड्स यूट्यूब नहीं।
फ्रेंड यूट्यूब नहीं, मैं नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज पढ़ के फिर मैं जो भी काम करना करूंगी। और मैं आपको बैक कैमरा से बादल दिखा दूं, और इतने प्यारे लग रहे हैं ना परिंदे, वो दिखा दूं। फ्रेंड ये देखें कितने प्यारे बादल लग रहे हैं, खूबसूरत। यहाँ पे फ्रेंड दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी। जा रही नीचे तो मैंने कहा मैं आपको साथ साथ लेके चलती नीचे, आपके फ्रेंड ऊपर से रह जाना। कभी कभी तो मुझे खुद की अपनी बातों पर हैरानगी होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे सामने बालकनी, बालकनी था बस, ये पीछे ओके, ये अब आपको नज़र आया होगा। अब फ्रेंड जी वाला तो होगा फ्रेंड, दरवाजे बहुत से हैं, दरवाजे कहते हैं फ्रेंड जी, मुझे ऐसे नहीं होगा बंद, रुके कैमरा यहाँ फिक्स कर सकती हूँ और फिर मैं दरवाजा बंद करती हूँ। फ्रेंड जी दरवाज़ा बंद हो गया, अब मैं नीचे जाके ये वाला दरवाज़ा बंद करूँगी और नीचे जाऊँगी। फ्रेंड यहाँ से लाइट अच्छी नहीं आ रही, यहाँ से तो अब मैं नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा, मिट्टी मिट्टी यहाँ पे, हालांकि फ्रेंड्स टाइल्स लगी हुई हैं लेकिन साफ़ नहीं हुआ हुआ। और ये यहाँ पे अच्छा सा किचन भी बना हुआ, ओपन किचन। और फ्रेंड्स क्या ऊपर फ्रेंड, आपने शीशा इग्नोर करना है। पर फ्रेंड मुझे बाल अपने इतने अच्छे लग रहे हैं ना, इतने फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं। फ्रेंड्स सम टाइम ना आपके बाल धुलने के बाद भी अच्छे नहीं लग रहे होते, तो बढ़िया फ्रेंड्स आज तो बड़े प्यारे लग रहे हैं मेरे बाल। पता नहीं क्या सीन है, सुबह से चौथी बार लाइट चली गई है। मैं ऊपर अभी 5-10 मिनट भी नहीं, मैं ऊपर खड़ी हुई और मैं नीचे आई हूँ, लाइट थी जब मैं गई हूँ, 5-10 मिनट भी नहीं हुए। मैं पूरी आपको स्टोरी बताती हूँ फ्रेंड, मेरे जाने से 5-10 मिनट पहले लाइट आई है, और लाइट थी जब मैं ऊपर गई हूँ, और ऊपर से जब मैं नीचे आई हूँ फिर लाइट नहीं है। फ्रेंड ये क्या हो रहा है, लाइट ना जाए, मैं तो दुआएं मांगती रहती हूँ। और फ्रेंड यहाँ पे ये मैंने बर्तन धो दिए थे, हमने कल जो बनाए थे दाल चावल, उसकी दाल बची हुई है थोड़ी सी, चावल ख़त्म हो चुके हैं। और फ्रेंड्स कितना अच्छा लगता है जब बर्तन धुले होते हैं, साफ़ सुथरा किचन ड्राई। यहाँ पर थोड़ा गंद है, इसको इतना मसला नहीं है कोई। और यहाँ पे अब लाइट बाहर कम हो जानी, मैं यहाँ पे आपसे जो भी बात करनी कर लेती हूँ, मुझे और कोई बात करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना थोड़े दिन पहले हमारी कलोनी में पता नहीं क्या सीन, मुझे तो आवाज़ ही आई थी, फिर बाद में कन्फर्म हो गया किसी नेबर से कि एक बच्ची को डॉगी ने काट लिया। वो पूरी फैमिली है डॉगीज़ की, छोटे छोटे बच्चे हैं 5-6 और 3-4 बड़े कुत्ते हैं। और फ्रेंड्स आई वॉज वेरी स्केयर्ड, पर फ्रेंड्स मुझे लगता है उस बच्ची ने कोई काम किया होगा और किसी को नहीं काटे। छोटी सी बच्ची थी और उसकी रोने की, मैं वॉशरूम में थी फ्रेंड्स, मुझे आवाज़ भी आई कि बच्ची कही थी पापा मुझे डॉगी ने काट लिया, रो रही थी फ्रेंड, मुझे अब सही एक्टिंग नहीं करनी आ रही उसकी। तो मैंने मामा को अंदर जाके बताया एकदम से, पर फ्रेंड हम इतना बाहर नहीं निकलते, तो बाहर नहीं निकले। फिर थोड़े दिन बाद पता चला कि वो किसकी बच्ची थी और किसको काटा। तो फ्रेंड्स अल्लाह सब की हिफाजत करे, आमीन सुबामीन। और साथ में फ्रेंड्स ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं है तो मुझे, पर फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने साथ एक चीज़ की है अपने घर के अंदर गार्डन में कुछ किया। और फ्रेंड्स आई वाज शॉक कि ये भी होता है फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था ये बहुत देर पहले से होता होगा। मैं आपको बताती हूँ, मुझे यही था कि नकली इन्होंने घास लगवाई है, घास असली है, इन्होंने ना मिट्टी डाली हुई थी ये नहीं, और एक दिन में घास लग गई है, उग गई है इतनी लंबी लंबी, बना कैसे फ्रेंड ये ना कहीं और से कट करके ना ऐसे बॉक्स शेप में, बहुत ज़्यादा बॉक्स शेप्स में कट करके लाए हैं घास, कहीं कहीं से पता नहीं फ्रेंड कहाँ से लाए हैं, पर वो इतनी प्यारी लग रही है ना। अगर किस दिन आपको मौका मिला तो मैं दिखाऊंगी। हाँ ये बिल्कुल साथ यहाँ पे हमारे यहाँ पे फ्रेंड, ये मैं किचन के आगे खड़ी हूँ ना, तो ये बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने गार्डन बनाया बहुत ही खूबसूरत, और घर का मुझे पता नहीं अंदर से, पर बाहर से बहुत प्यारा बनाया इन्होंने। अभी मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, जब कुछ कहने को होगा फिर मैं अगला क्लिप शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स मामा ने रोज़ा खोल लिया था खजूर से, खजूर से नहीं फ्रेंड झूठ नहीं बोलना, पानी से खोला।
खजूर हमारी पहुंच से थोड़ी दूर थी। क्या बोलने वाली थी मैं? हाँ तो फ्रेंड्स ये बना दिए मामा के लिए मैंने चीज़ ऑमलेट, मैंने आपको बताया था अब चीज़ ऑमलेट हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। समोसों के लिए हमने कॉल की थी लेकिन वो समोसे हम तक पहुंच नहीं पाए। जिस बंदे को हमने कॉल की फ्रेंड ये मेरा चीज़ ऑमलेट ब्रेड है और चाय बन रही है और ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को मेरे गले में जलन हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस शेयर करें फ्रेंड में फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। फ्रेंड इज हैविंग जूस।